राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि क्या राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नए कैबिनेट के बनने से पहले राज्य के 3 मंत्रियों के इस्तीफे से हलचल बढ़ गई है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 3 मंत्रियों के ताबड़तोड़ इस्तीफा देने की खबर आई है। शुक्रवार को अशोक गहलोत कैबिनेट के 3 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को दिया है। इस्तीफा देने वालों में गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा और हरीश चौधरी शामिल है। गोविंद सिंह डोटासरा राज्य के शिक्षा मंत्री थे, जबकि हरीश चौधरी राजस्व मंत्री और रघु शर्मा स्वास्थ्य मंत्री के पद पर थे। इन तीनों मंत्रियों ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है। इस बात की पूरी संभावना है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जल्द ही अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। 21 या 22 नवंबर को ये मंत्री शपथ भी लेंगे। राजस्थान के 3 मंत्रियों के इस्तीफे के बारे में अजय माखन ने बताया है। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, जबकि रघु शर्मा गुजरात कांग्रेस के प्रभारी है। तो वही हरीश चौधरी को हाल ही में पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। कांग्रेस नेता अजय माखन ने बताया कि इन तीनों मंत्रियों ने सोनिया गांधी को खत लिखकर मंत्री पद छोड़ने की इच्छा जताई थी, क्योंकि ये सभी नेता संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक पद वाले फॉर्मूले की वजह से तीनों मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए हैं। दरअसल हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान को खत्म करने की कोशिश के तहत पार्टी आलाकमान के दखल के बाद दोनों नेताओं के बीच कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला तय हुआ था। पार्टी सूत्रों की माने तो हाईकमान के साथ मीटिंग में यह तय किया गया है कि अशोक गहलोत के पसंद के साथ 7 मंत्री बनाए जाएंगे, जबकि सचिन पायलट के पसंद के 5 मंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। इस बात के संकेत खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दे चुके हैं। पायलट गुट की ओर से हेमाराम चौधरी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, रमेश मीणा, ब्रिजेंद्र ओला और मुरारी लाल मीणा मंत्री बन सकते हैं। बता दें कि बीते करीब 3 सालों से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तलवारें खिंची हुई है। सचिन पायलट अक्सर अपने करीबियों को कैबिनेट में जगह देने की मांग करते हैं। अब तक कैबिनेट में फेरबदल को अशोक गहलोत टालते रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।